अयोध्या पहुंच चुके हैं राम मंदिर, फोन बैग सब जमा हो जाएगा। तो सेल्यूटी पापा जी, दुनिया भर के लोग आए हुए हैं, दुनिया भर के, क्योंकि लॉकर अभी तक खुले नहीं है, सुबह बहुत जल्दी आ गए हम लोग। दोस्तों आज 23 तारीख है, पहले दिन दर्शन हुए हैं राम जी के, अपने को राम लल्ला के दर्शन हुए हैं, तो ले रहे हैं राम मंदिर का मॉडल ले रहे हैं। लोग तमीज से नहीं रहते तो इसलिए इंतजाम करना जरूरी है भाई। सर शिमला से आया, दर्शन हो गए, दर्शन हो गए हुआ। अयोध्या से 130-140 किलोमीटर आ चुके हैं। मैं हूँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, टोल टैक्स कटा है 330 रुपए। पीछे फ्लैग लगा है तो फ्लैग की वजह से थोड़ा हिल रहा है बाइक, तो इस फ्लैग को थोड़ी देर रिमूव करना पड़ेगा जितनी देर एक्सप्रेस वे पे चल रहा हूँ। और गायब मैं हूँ आगरा में, और यहाँ से आगे ताजमहल सिर्फ 1 ही किलोमीटर। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं अयोध्या धाम। यहाँ से अयोध्या की एंट्री है, सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 बजे एंट्री मिल रही है हमें आज 23rd January। तो दोस्तों चलते हैं अंदर को, श्रद्धालु चले हुए हैं। अयोध्या धाम पहुंच गए हैं हम लोग, चलो। तो दोस्तों स्ट्रीट्स ऑफ अयोध्या, सुबह सुबह 6 बजे भजन सुन सकते हैं आप। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ। तो दोस्तों राम जी की नगरी में, सुबह सुबह जनता चली है राम मंदिर का एंट्री गेट। तो दोस्तों मैं बाइक लगाने की जगह ढूंढ लेता हूँ यार, आसपास ही देखता हूँ। तो अपनी राइट पे भी पहुंच गई है राम मंदिर के सामने यार, राम जी के आशीर्वाद लेने। मैं और मेरी राइट पे भी पहुंच चुके हैं, पहले बाइक लगाते हैं कहीं साइड में फिर चलते हैं अंदर। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं राम लल्ला भूमि, अयोध्या पहुंच चुके हैं राम मंदिर, तो चलते हैं अंदर देखते हैं। उम्मीद ऐसी है कि फोन जमा हो जाएंगे, फोन बैग सब जमा हो जाएगा, तो उसके बाद ही दर्शन होंगे। तो जितना तब तक हम आपको दिखा सकते हैं, कोशिश पूरी रहेगी दिखाने की। वाह यार, खूबसूरत समा बांधा हुआ है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। हनुमानगढ़ी तीर्थ क्षेत्र, श्री राम चिकित्सालय। वाह यार सुंदर, अति सुंदर दृश्य। दोस्तों भीड़ देख सकते हैं आप मेरे पीछे, कुछ लोग तो जा रहे हैं दर्शन करके, हम अभी दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन हो जाएंगे होपफुली। सुबह सुबह देख सकते हो जैकेट पूरा गिल्ला है, तो गिल्ले होके पहुंचा हूँ यहाँ पे। 8-9 किलोमीटर पीछे रोका हुआ था जहाँ पे मार को, वहाँ से आगे आया हूँ मैं। तो तामझाम आप देख सकते हो ऊपर का, सही बना हुआ है यार। बारिश भी होगी तो भी लोग भीगेंगे नहीं इतनी आसानी से, तो ठीक है। लेकिन ये बना ऐसे तो है, पानी कहाँ जाएगा इसका। और हमारे बाबा जी चले हैं यहाँ पे, सेल्यूटी बाबा जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जोश देख सकते हैं आप, श्रद्धालुओं का जोश बहुत है, हाय है। You can drop.
अभी दर्शन करने अंदर जाना है, फोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। जूते बैग रखने के लिए जगह देख रहा हूँ, जगह मिलते ही आप देख सकते हो कितना तामझाम है यार, कितना रश है, दुनिया भर के लोग आए हुए हैं, दुनिया भर के लोग। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अंदर पहुँचेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले अपना बैग वगैरह रखने की जगह ढूंढते हैं क्योंकि लॉकर अभी तक खुले नहीं है। सुबह बहुत जल्दी आ गए हम लोग। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं राम मंदिर, हम लोग जा रहे हैं एंट्री। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी दर्शन करके आ गया, फोन नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे भाई का फोन लिया है मैंने। चैतन्य भाई का फोन लिया है मैंने। वीडियो बनाई है, वीडियो अपलोड करूंगा भाई से लेके। तो दोस्तों आज 23 तारीख है, पहले दिन राम जी के, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम। तो राम मंदिर में इस टाइम कर रहा हूँ मैं शॉपिंग कर रहे हैं। देखो भाई के पास हम लोग ले रहे हैं राम मंदिर का मॉडल ले रहे हैं, बाइक के लिए जय श्री राम ले रहे हैं और एक की रिंग ले रहे हैं। तो देखते हैं भाई लोग किसी ग्रेड ला रहे हैं, माता तो बहुत बढ़िया है यार। एक ये भी चाहिए था तो सॉरी यार, मारेंगे मेरे को। सुंदर है, दर्शन करके आगे शॉपिंग भी कर लिया है हम लोगों ने। देखो बाइक के लिए जय श्री राम लेके गए हैं और घर के लिए राम मॉडल लेके आए हो यार। मम्मा पापा के लिए कुछ तो लेके जाना था घर पे, और उनके रूम के लिए एक अच्छा सा राम मंदिर का फोटो लेके जा रहा हूँ ताकि उनके रूम पे अच्छे से लगाया जा सके। तो दोस्तों भीड़ देखते रहो आप, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। सुबह थोड़ी कम थी भीड़, अभी और ज़्यादा हो गई है भीड़। तो चलते हैं हम लोग बाहर की तरफ। 8:45 पे अपने को राम लल्ला के दर्शन हुए यार, बहुत खुशी है। जिस चीज़ के लिए आए थे इतने दूर से वो हो गया, मेन बात वो है भीड़। देखो आप एक बार, मिलते हैं हम आपको। इतने जल्दी नहीं छोड़ रहे, धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी तो फिर कम है। सुबह क्या धक्का मुक्की थी, अभी तो ऐसा है यहाँ पे प्रशासन काफ़ी ज़्यादा है। सुबह कम थे लोग इसीलिए धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा थे। लोग फ़ोन भी अंदर लेके गए, हम तो नहीं लेके गए भाई, हमने सुनी, सबकी सुनी। तो आप लोग तमीज़ से नहीं रहते तो इसलिए इंतज़ाम करना ज़रूरी है भाई। सुबह इतना तामझाम नहीं था तो बहुत धक्का मुक्की किए सबने, तो इतना तामझाम होना ज़रूरी है लोगों के लिए। तो आगे से घूम के जाने का है, बाइक मेरा उधर है उस साइड कहीं, ठीक है भाई। होने चाहिए बंदोबस्त होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का तरीका है, तो उस हिसाब से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर शिमला से आया सर, दर्शन हो गए। कैसा हुआ, अच्छा लगा आपको, कैसा लगा? बहुत अच्छे दर्शन हुए, मतलब जिस चीज़ के लिए आए थे वो हो गए, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि उम्मीद नहीं है 26 तारीख से पहले दर्शन होने की, तो दर्शन हुई, बहुत खुशी है। इतने दूर से आया हूँ, बाइक पे आया हूँ, श्रद्धा से पूरी आए, तो हमने सोचा था आज नहीं होंगे, कल होंगे, जब भी होंगे। सुबह कितने बजे आए थे आप लोग यहाँ पे? सुबह 6 बजे आ गए, छह बजे आए अभी दर्शन करके बाहर आए। तो उस टाइम तो यहाँ पे इंतजाम थोड़ा कम था, धक्के मुक्की बहुत थी, अब तो इंतजाम ठीक है, अब धक्का मुक्का कम हो रहा है। तो बहुत धक्के मुक्की हुई सुबह, बाइक ढूंढना पड़ेगा पहले, थोड़ा सा इससे हल्का सा आगे था। फटाफट चलते हैं, बाइक ढूंढते हैं और निकलते हैं एक बार, लास्ट बार जाते जाते तामझाम देख लो। मुक्की इतनी हुई कि शरीर थका हुआ है, इतना ढीला हो गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत मारा है किसी ने अंदर। तो दोस्तों हम लोग अयोध्या से वापस आ गए हैं और इस टाइम लखनऊ क्रॉस कर दिया है हमने यार। अयोध्या से 130-140 किलोमीटर आ चुके हैं, तो अब जितना हो सकता है उतना जल्दी चलते हैं यार। तो सुबह से खाना नहीं खाया था तो खाना खाने रुके, राम जी के दर्शन कर लिए, 100-150 किलोमीटर चल भी लिए उसके बाद, तो अब लंच कर लेते हैं। ये देखिए राइड वे भी खड़ी है, उधर को अयोध्या पीछे रह गया, उधर को वापसी हम लोग चले शिमला की तरफ। शिमला तो नहीं है, रोड बना है, ये इको पार्क है यहाँ का। बाइक लगा सकते हैं सर यहाँ, वहाँ से गाड़ी अंदर खड़ी करके टिकट लेके आइए। अच्छा बस मैं जा रहा हूँ सर, मैं तो दोस्तों टिकट लगेगी यहाँ से, ये टिकट का तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन टाइम थोड़ा कम है,
वापस शिमला पहुंचना है, तो ये उपवन देखने हम कभी और आएंगे, जब लखनऊ घूमने आएंगे तो हम ये उपवन देखने आएंगे यार। अभी फिलहाल शिमला पहुंचना है। तो मैं हूँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, लखनऊ टू आगरा। तो अभी शायद अभी तो आगरा बचा है 150-200 किलोमीटर, उसके बाहर बाहर से शायद निकल जाएंगे। दिल्ली होते हुए शिमला लेके जा रहा है। आया मैं मेरठ होते हुए लखनऊ था, अभी मैं शायद दिल्ली होते हुए जाऊंगा, शायद आई डोंट नो। तो देखते हैं जहाँ से भी जाऊंगा। रोड बड़ा सुंदर है, चलने का बड़ा मज़ा आ रहा है। फ्लैग पीछे फ्लैग लगा है, तो फ्लैग की वजह से थोड़ा हिल रहा है बाइक, तो इस फ्लैग को थोड़ी देर रूज करना पड़ेगा जितनी देर एक्सप्रेस वे पे चल रहा हूँ। और यार नई चीज़ हुई आज अपने साथ, क्या नई चीज़ हुई, एक्सप्रेस वे पे वैसे तो बाइक अलाउड नहीं थे, इस पे तो पता नहीं था कि नहीं था पहले से, लेकिन कई एक्सप्रेस वे पे बाइक अलाउड नहीं है, लेकिन टोल टैक्स किसी पे नहीं था। यहाँ पे टोल टैक्स कटा कितना, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे मेरे बाइक का टोल टैक्स कटा है 330 रुपये। यार ये समझ नहीं आया, ऑटो टू व्हीलर टाइप ऑफ व्हीकल एक्सप्रेस वे पे फी परमिसेबल लोडिंग रजिस्टर, तो देखो 330 रुपये का टोल टैक्स लगा है। कोई बात नहीं, मैंने थोड़ी हवा खा लेते हैं और हल्का सा रिलैक्स कर देते हैं शोल्डर्स को, थके हुए हैं। कल रात को सिर्फ 2-3 घंटे सोया यार, देखा होगा आप लोगों ने पिछली वीडियो में। तो दोस्तों आगरा एक्सप्रेस वे पे हूँ, एक चीज़ सुनो, आवाज़ आ रही होगी, धीरे 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 लाइटें बढ़ रही है, लाइटें बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई। और गायब सिर्फ आवाज रहेगी। मैं हूँ आगरा में और ये मेरी बाइक लग चुकी है, और इस टाइम मैं हूँ बर्ड वाइजर बैकपैकर्स हॉस्टल। भाई बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है इस हॉस्टल से, अगर पता होगा तो जानते हैं, सोनू भाई, हुम्बा भाई, हिमांशु भाई, अमन भाई, अवनीश भाई, रिंकू भाई, सब जानते हैं हमारी इस हॉस्टल की पुरानी यादें हैं आगरा की यार। और यहाँ से आगे ताजमहल सिर्फ 1 ही किलोमीटर है। भाई लोग बर्ड वाइजर चेंज होता हुआ, चेंज होता हुआ नहीं, चेंज बहुत हो गया। वाह यार ये बर्ड वाइजर का कमरा है जो कभी हमने देखा नहीं था ऐसा। अरे वाह, जो स्वीट बना रखी है आप लोगों ने है। अमन भाई, अवनीश भाई, देखो देखे आए थे, तब बन रहा था, तब बन रहा था जब आए थे। वाह यार, कमरे कमरे कितने में रखते हैं आप लोग? साला चेंज होता हुआ हमारा बर्ड वाइजर देख लो, ये नीचे के कमरे भी बदल गए यार, नीचे के कमरे भी चेंज हो चुके हैं। देखो बंदो, वो सबसे पहले वाले कमरे रखते थे ना, चेहरा चेंज हो गया है, चेहरा चेंज हो गया भाई बर्ड वाइजर का, ठीक है ना, उनके पास पैसा भी तो लगाने के लिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, रामलला के दर्शन हो गए हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अपना ख्याल रखें, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखें, डिस्ट्रॉय हेट्रेड एंड जय श्री राम, बाय बाय।